हाय गाइस, मेरा नाम मना है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कूलकॉम सीपीयू के बारे में कि कूलकॉम सीपीयू का आप उसका फ्लैश फाइल जो है मेडिकल बॉक्स से रीड कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मेडिकल टीम ने जो है नंबर 5 पे लिखा है कि रीड फ्लैश मैन्युअली मोड, ठीक है। तो मैन्युअली मोड जो है ये RX टेस्ट कनेक्शन है दोस्तों। तो अगर आपको किसी मोबाइल का फ्लैश फाइल अगर आपको रीड करना है मेडिकल बॉक्स से, उसे आपको RX टेस्ट कनेक्शन करके आपको बूट कराना होगा, तभी आप उसका फ्लैश फाइल जो है रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको एक नया टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको करके दिखाने वाला हूँ कि आप बिना RX TS कनेक्शन के आप USB डाटा केबल से मेडिकल बॉक्स में किसी भी कूलकॉम सीपीयू को, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो अगर कूलकॉम सीपीयू है उसमें, तो आप उसे बड़ी आसानी से आप उसका फ्लैश फाइल रीड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैन्युअली मोड को छोड़ करके अगर आप USB डाटा केबल से रीड करेंगे फ्लैश फाइल तो आपको आसानी होगा। आसानी इसलिए होगा कि मान के चलिए कि आपके पास अगर मोबाइल का दुकान है, आपका मोबाइल का दुकान है और आपके मोबाइल दुकान में जो है बहुत सारा जो कूलकॉम सीपीयू वाला जो मोबाइल है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन है आपके पास, आप बेचते हैं, आप उस नए मोबाइल का जो है फ्लैश फाइल अपने मेडिकल बॉक्स से आप रीड कर सकते हैं। और मान के चलिए कि आपके दुकान पर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसका मोबाइल भी आप मांग करके आप उसका फ्लैश फाइल रीड कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि आप उसका फ्लैश फाइल रीड करेंगे तो वो अपना मोबाइल तो आपको खोलने के लिए नहीं देगा, या नया मोबाइल आपके पास है, आप न्यू मोबाइल को तो आप उसे ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप RX टेस्ट कनेक्शन करने के लिए आपको तो मोबाइल को जो है खोलना ही होगा आपको, तभी आप उसका फ्लैश फाइल रीड कर सकते हैं RX टेस्ट कनेक्शन के जरिए। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना मोबाइल खोले आप डायरेक्ट USB डाटा केबल से उसका फ्लैश फाइल आसानी से रीड कर सकते हैं मेडिकल बॉक्स से। अगर आपको देखना है, सीखना है तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मननानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्लैश फाइल रीड करने के लिए कूलकॉम सीपीयू का सबसे पहले हम अपने मेडिकल बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैंने अपना जो डिवाइस मैनेजर है उसे मैंने ओपन कर लिया है और अपना जो मेडिकल टूल जो है उसे हमने ओपन कर लिया, ठीक है। दोनों को मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूँ और अपने मोबाइल को हमें बूट करना है। और बूट कराने के लिए आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जैसे कि कूलकॉम सीपीयू को बूट कराने के लिए आपको वॉल्यूम माइनस और वॉल्यूम प्लस दोनों को आपको ये सेम टाइम जो है प्रेस करना है, एक साथ आपको दबा के रखना है, उसके बाद उसमें USB डाटा केबल इंसर्ट करना है। तो जैसे आप अपना USB डाटा केबल इंसर्ट करेंगे तो आपका मोबाइल जो है डिवाइस मैनेजर से बूट कर जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कूलकॉम सीपीयू जो है हमारे डिवाइस मैनेजर से बूट कर चुका है, ठीक है। उसका जो EDL मोड है, कूलकॉम सीपीयू का जो EDL मोड होता है वो उसे हमने बूट करा दिया है। वॉल्यूम प्लस और माइनस का बटन जो है उसे प्रेस करके अपने डिवाइस मैनेजर से हमने बूट करा दिया, ठीक है। अब हमें अपने मेडिकल बॉक्स में जो है, अपने मेडिकल टूल में जो हमें फ्लैश फाइल रीड करना है, तो चलिए मैं आपको दिखाते हैं कि मेडिकल टूल में आपको फ्लैश फाइल कैसे रीड करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा फ्लैश फाइल रीड करने के लिए आपको यहाँ जो है कूलकॉम टूल को आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। और कूलकॉम टूल को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं रीड फ्लैश फॉर्मेट, ठीक है, उसके बगल में फ्लैशिंग है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ फ्लैशिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप फ्लैश करने के लिए है और यहाँ पे जो है रीड फ्लैश करने के लिए, ठीक है। तो रीड फ्लैश में आप मैन्युअली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैन्युअली है, ठीक है, ये मैन्युअली कनेक्शन है RX टेस्ट कनेक्शन के लिए। अगर इसको आप किसी को भी आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है, तो आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युअली कनेक्शन है ये, और इसे आप मैन्युअली तरीके से ही आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है, RX टेस्ट कनेक्शन के जरिए से। तो हमें तो फिलहाल अभी USB डाटा केबल के जरिए से करना है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मैं आपको अभी ट्रिक बताऊँगा कि आप जैसे कंपनी आपको बता रहा है कि आप मैन्युअली रीड कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं आपको कि आप USB डाटा केबल से आप फ्लैश फाइल को रीड कर सकते हैं कूलकॉम सीपीयू का।
तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो पोर्ट पे क्लिक करना है और डिवाइस मैनेजर में जो हमारा मोबाइल कनेक्ट है, ठीक है, तो उसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड फ्लैश, तो रीड फ्लैश पे हमें टिक लगा देना है। और रीड फ्लैश पे टिक लगाने के बाद जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम स्टार्ट बटन पर क्लिक कर चुके हैं और हमारा जो ये मोबाइल जो है रीड नहीं हो रहा है, हमारा फ्लैश फाइल जो है रीड नहीं हो पा रहा है। उसके बाद दोस्तों आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे कि मैक एक्सएमएल फाइल, ठीक है, और उस इस साइड में आप देख रहे हैं कि सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, ठीक है, इन दोनों पे हम टिक लगा देते हैं। ठीक है, इन दोनों पे टिक लगाने के बाद चलिए हम फिर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं जैसे हमने दोबारा स्टार्ट पर क्लिक किया तो हमारा जो मेडिकल जो टूल है ये हैंग कर चुका है। ठीक है, और ये हैंग इसलिए किया है क्योंकि मेडिकल टीम ने पहले से ही कह रखा है कि जो ये मैन्युअली कनेक्शन है और मैन्युअली तरीके से ही आप इसका फ्लैश फाइल रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है टूल हैंग कर रहा है। ठीक है, आप अगर 500 बार भी अगर आप कोशिश करेंगे इस मेडिकल टूल में आप कूल कॉम सीपीयू को रीड करने के लिए, लेकिन आप रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आप फिर भी इसे रीड कर सकते हैं यूएसबी डाटा केबल के जरिए से, और मैं आपको बता रहा हूँ और करके दिखा रहा हूँ कि आप यूएसबी डाटा केबल से कैसे आप इसका फ्लैश फाइल जो है कूल कॉम सीपीयू का रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दोबारा आइडियल मोड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप जब भी अगर फ्लैश फाइल रीड करेंगे तो आप सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट और एक्सएमएल फाइल को जब तक आप टिक नहीं लगाएंगे तब तक आपका फ्लैश फाइल रीड नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में आपको टिक लगा के ही आपका फ्लैश फाइल जो है रीड होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट और एक्सएमएल फाइल को जब मैंने टिक नहीं लगाया और स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो फ्लैशिंग नहीं होता है। ठीक है, और वर्क नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों अब रीड करने के बारे में आपको बताते हैं कि रीड कैसे करना है। रीड करने के लिए आपको यहाँ पर देखते हैं आउटपुट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आउटपुट पर क्लिक करेंगे आपको क्रिएट क्लिक करना है। क्रिएट पर जब क्लिक करेंगे आप एक फोल्डर बन जाएगा आपका। उस फोल्डर में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं इस फोल्डर में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी फोल्डर में जो है हम अपने फ्लैश फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी फाइल जो रीड होगा, फ्लैश फाइल रीड होगा, वो जो न्यू फोल्डर हमने अभी क्रिएट किया है, ठीक है, आउटपुट के जरिए, तो इसी फाइल फोल्डर में जो है हमारा फ्लैश फाइल जो है रीड होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे रीड पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अगर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्लैश फाइल रीड नहीं होगा बल्कि आपका जो मेडिकल टूल है वो हैंग कर जाएगा। तो रीड फ्लैश के बगल में आप देख सकते हैं दोस्तों लिस्ट, तो लिस्ट पे आपको जो है चेक लगा देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जब स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो सारा का सारा जो लिस्ट दिखा देगा और सारा का सारा फाइल यहाँ पर दिखा देगा कि कौन कौन से फाइल जो है इसकी जो है रीड होगी। ठीक है, तो सारा फाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा फाइल यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद अब आप रीड फ्लैश पर जो है चेक लगा करके जो है टिक लगा करके आप उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ्लैश फाइल जो है रीड होना शुरू हो जाएगा। और ये फ्लैश फाइल आपका रीड होकर के उसी फोल्डर में जाएगा जिस फोल्डर में अभी हमने आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाया था कि आउटपुट में जो न्यू फोल्डर मैंने बनाया है इस फोल्डर में जो है हमारा फाइल जो है रीड होकर के सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी पसंद आया होगा वीडियो और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको जो अपना फ्लैश फाइल मेडिकल टूल में एडिट करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप पर। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।